नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी हमारी एक और नई बाइक की इंटरेस्टिंग वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। दोस्तों, आज हम जिस बाइक का कंप्लीट वॉकराउंड एंड रिव्यू करेंगे वो है आपकी 2024 की KTM ड्यूक 250। और दोस्तों, ये है इसका थर्ड जनरेशन वेरिएंट। सो KTM आपको कई इंजन ऑप्शन के साथ देखने को मिलते हैं, जैसे 125, 200, 250 एंड 390। अभी जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये आपका 250 ड्यूक। एंड अगर इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 2.39 लाख रुपीज एंड ऑन रोड जाती है आपकी 2.80 लाख रुपीज तक। वहीं दोस्तों, इसमें आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला आपका आता है सेरेमिक वाइट, दूसरा आपको मिलता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज। हेडलैम्प की बात करें दोस्तों तो आपको देख लीजिए, इसमें प्लास्टिक पार्ट मिलते हैं ऑरेंज कलर के। एंड वहीं लाइट सेटअप दोस्तों आपको जो मिलता है अब आपको मिलता है LED में। एंड इसमें आपको कोई भी DRLs वगैरह देखने को नहीं मिलते। एंड टर्न इंडिकेटर की बात करें तो आपको छोटे छोटे प्लस आपको LED में देखने को मिलते हैं, जो कि आपको स्पीडियर फील देते हैं। दोस्तों, अगर इसके लुक्स की बात करें ना तो काफ़ी बोल्ड एंड एग्रेसिव लुक्स आपको देखने को मिलते हैं। फ्रंट में जो आपको दोस्तों सस्पेंशन मिलता है वो आपको मिलता है USD फॉक्स एंड 320mm का आपको उसमें मिल जाता है डिस्क ब्रेक। बाकी दोस्तों बात करें, आपका ड्यूअल चैनल ABS है एंड ये मडगार्ड आपको प्लास्टिक का देखने को मिलने वाला है। साथ ही अगर बात करें इसके जो कैलिपर्स आते हैं वो आपको दोस्तों वाइब्रे के कैलिपर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके 4 पिस्टन है 17 इंचज़ के आपको उसमें अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं जो फ्रंट में है। एंड दोस्तों वहीं बात करें अगर इसके सस्पेंशन की, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपको WP Apex USD फॉक्स मिलते हैं 41mm के एंड ये आपके एडजस्टेबल है, यहाँ से आप इन्हें दोस्तों एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, कसम से मस्त लगती है गाड़ी देखने में, एकदम स्पोर्टियर फील आपको आने वाला है। बाकी आपको इसमें ड्यूक लिखा मिल जाता है ऑरेंज कलर में, जो कि काफ़ी शानदार लगता है। एंड प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें, पेंट क्वालिटी की बात करें, काफ़ी बढ़िया आपको पेंट क्वालिटी देखने को मिलने वाली है। रेडिएटर ग्रिल की बात करें दोस्तों अगर इसकी, तो पहले से बढ़िया आपको इसमें रेडिएटर ग्रिल देखने को मिलती है। एंड दोस्तों आई थिंक अब इसमें हीटिंग इशू थोड़े से कम हो जाएंगे। बाकी दोस्तों बात करें, यहाँ पर आपको कोई भी इंजन प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता, ये आपका साइलेंसर। एंड अगर साइलेंसर की बात करें तो आपको अंडर बैली साइलेंसर देखने को मिल जाता है, नीचे की तरफ आपको कोई भी प्रोटेक्शन वगैरह देखने को नहीं मिलने वाला है। ये गाड़ी की चैजी की बात करें दोस्तों, जो आपको फ्रेम मिलती है वो आपको सेम 390 की फ्रेम देखने को मिलता है। एंड दोस्तों ये आपका कूलेंट का बॉक्स है। चलिए अब बात करते हैं इसके इंजन की। उसमें आपको 249cc का 1 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि आपका पावर प्रोड्यूस करता है 31 BHP 25 Nm का टॉर्क। यहाँ आप LC4C की बैजिंग देख सकते हैं, लिक्विड फिट फोल कॉम्पैक्ट की आप बैजिंग देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट इंजन दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी पावर फिगर्स काफ़ी शानदार है इस गाड़ी की। एंड माइलेज की बात करें तो 35 का एवरेज आपको देखने को मिल जाता है। रियर फुटरेस्ट प्लस आपको ब्रेक देखने को मिलते हैं। एंड अगर इसके सस्पेंशन की बात करें दोस्तों, जो आपको रियर वाला मिलता है वो आपको WP Apex मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, 10-way एडजस्टेबल है। एंड दोस्तों इसकी पोजीशनिंग की बात करें तो सेंटर के आप छोड़ के राइट साइड में इसका आपको पोजीशन देखने को मिल जाती है। एंड इसे आप 10-way से एडजस्टेबल कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी दोस्तों अगर बात करें सीट हाइट की, तो 800mm की सीट हाइट, बाकी इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फ्रेम आपको पीछे वाला देखने को मिलने वाला है। बाकी दोस्तों ये आपका फुट रेस्ट देख लीजिए, आपको मिलता है एल्यूमिनियम में। रियर में आपको 240mm का दोस्तों डिस्प्ले ऑफर करती है कंपनी एंड काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं। बाकी अगर इसके इसमें आपको न्यू वाले वाइब्रे के डिस्प्ले का कैलिपर्स मिल जाते हैं, जो कि आपके 2 पिस्टन है एंड इनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। बाकी इसकी बात करें हीटिंग इशू थोड़े कम होते हैं। टायर साइज की बात करें 150/60R17 का टायर साइज, ट्यूबलेस रेडियल टायर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मैसिव सा टायर साइज है। रियर की बात करें तो आपको देख लीजिए रिफ्लेक्टर मिलता है। यही दोस्तों आपको नंबर प्लेट की पोजिशन मिलने वाली है। साथ में दोस्तों बात करें, ये देख लीजिए प्लास्टिक का मिलता है टोटल। एंड ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर हैंडल्स मिल जाते हैं बार पकड़ने के लिए, क्लियन के लिए। बाकी इसमें आपको जो टेल लाइट सेक्शन मिलता है दोस्तों, वो आपको मिलता है LED में, जो कि काफ़ी स्टाइलिश है देखने में। एंड पर्सनली दोस्तों जब ग्लो करता है देख लीजिए, बड़ा ही शानदार आपको देखने को मिलने वाला है। पर्सनली मेरा तो फेवरेट है, आपका है कि नहीं प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। यह है आपका पिलियन फुटरेस्ट, जो कि आपका एल्यूमिनियम का है। राइडर फुटरेस एल्यूमिनियम का। एंड दोस्तों ये आपका 249cc 6-speed ट्रांसमिशन है। बाकी दोस्तों ये आपका है क्विक शिफ्टर के साथ आता है। ये आपका साइड स्टैंड, जो कि दोस्तों आपका स्टील का है। एंड देख लीजिए 6-speed आपका मैनुअल वेरिएंट है। ये आपका दोस्तों रहेगा फ्रेम। बाकी ग्लॉसी ब्लैक के एलिमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं ऑरेंज के साथ, जो कि देखने में बहुत ही शानदार लगते हैं। ये दोस्तों आपके फ्रेम स्लाइडर कह लीजिए या फिर आप उसे गार्ड कह लीजिए। एंड यहाँ आपको कूलिंग फैन मिलता है, जो कि आपके रेडिएटर को ठंडा रखता है। बाकी रिफ्लेक्टर मोटर आपको देखने को मिलने वाले इस गाड़ी में। लुक्स के मामले की बात करें बहुत शानदार है। सीट दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी जो कुशनिंग है काफ़ी सॉफ्ट मिलती है। एंड यहाँ भी दोस्तों आपको सॉफ्ट कुशनिंग। बाकी प्लेन की बात करें तो ये भी दोस्तों काफ़ी सॉफ्ट है पहले की कंपेरिजन में। बाकी आपको ग्रैब हैंडल वगैरह देखने को मिल जाते हैं।
सो अब बात करते हैं दोस्तों इसके टैंक की। जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत शानदार, ना ये ब्लैक है ना ही ग्रे कलर आपको देखने को मिलता है, कुछ मिड कलर है। एंड दोस्तों अगर टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी एंड 3 लीटर की इसमें आपको रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि आपका सपोर्ट करती है E20 पेट्रोल। एंड दोस्तों काफ़ी अच्छे लुक से बाकी आपकी की पोजीशन आपको टैंक पैड में देखने को मिल जाती है, कुछ इस टाइप से बढ़िया तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। की आपको जो स्टेप्स मिलती है दोनों की दोनों। बाकी दोस्तों इसमें आपको जो TFT डिस्प्ले या LCD डिस्प्ले मिलती है वो आपको 5 इंच की देखने को मिल जाती है, जिसमें आपका RPM मीटर वगैरह सब कुछ शो कर देता है। यहाँ से आप इसे कुछ इस टाइप से कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। एंड डिजिटल है दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी ये है आपके किल स्विच एंड आपके इग्निशन स्टार्ट। बाकी अगर इसके बात करें ग्रिप की, जो आपके एक्सेलेरेटर में दी गई है वो ग्रिप काफ़ी अच्छी आपको प्रोवाइड कराई गई है। बाकी राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको हज़ार्ड का बटन दिया गया अलग सेपरेट सा, जैसे आप जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों तो आपके जो चारों के चारों इंडिकेटर हैं वो एक साथ ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ इस टाइप से। एंड गाड़ी के लुक्स आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों राइट साइड में ये देख लीजिए, ये आपको पास का बटन दिया गया है, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे देख लीजिए व्हाइट लाइट आपकी स्टार्ट हो जाती है LED, एंड इससे आप पास ले सकते हैं ईजिली। बाकी और बात करें कंट्रोल्स की दोस्तों, तो ये देख लीजिए आपको पूरी तरीके से कंट्रोल्स मिलते हैं, इंडिकेटर के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, पास के मैं बता ही चुका हूँ। नीचे आपको दोस्तों हॉर्न की प्लेसमेंट वगैरह देखने को मिल जाती है, यानी प्रॉपर तरीके से आपको पूरे कंट्रोल्स आपको हैंडल बार में देखने को मिल जाते हैं। ग्रिप वगैरह दोस्तों काफ़ी अच्छी है। सो ये था दोस्तों आपका कम्प्लीट बैकग्राउंड ऑफ KTM ड्यूक 250। एंड अगर इसके ऑनरोड प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट 2,80,000 की आपको गाड़ी पड़ जाती है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। सो दोस्तों 2,80,000 रुपये खर्च करने के बाद आपको दोस्तों ये गाड़ी उस प्राइस पॉइंट पे वर्थ लगी कि नहीं लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जुड़े रहे हमारे साथ ऐसी और नई बाइक की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।